very hard for me because I met Sabika and she didn't know anyone either. She was the most beautiful, loving person I've ever met. After she decorated her room entirely in Pakistan and put her flag up. पाकिस्तानी तालबा सबीका शेख की मैयत कराची पहुंच गई। एएसएफ ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जिसके बाद मैयत को अहले खाना के सुपुर्द कर दिया गया। एयरपोर्ट पर अमरीकी कौंसल खाने के हुक्काम भी मौजूद थे। नमाज जनाजा हकीम सईद ग्राउंड में आज सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। तदफीन अजीमपुरा कब्रिस्तान में होगी जहाँ बाहर तालबा के घर ताजियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कोर कमांडर अमरीकी सेंट्रल कमांड का टेलीफोन। आईएसपीआर के मुताबिक जनरल जोसेफ ने आर्मी चीफ से सबीका की मौत पर इजहार ताजियत किया। सबीका के अहले खाना से भी अफसोस। शेखुपुरा में सीटीडी ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, ताल्लुक कलदम तंजीम से है। असलहा और बारूद भी कब्जे में ले लिया। कराची मलीर सिटी में 13 साल बच्ची से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। बच्ची बर्गर खरीदने गई थी, मुलजिम ने हवस का निशाना बनाया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन में सख्त जुमलों का तबादला। चपकलिश की वजह राय हसन नवाज बने। इमरान खान ने मुदाखलत करके दोनों रहनुमाओं में इख्तलाफ राय खत्म करा दिया। इमरान खान की सिरे सदारत तहरीक इंसाफ की मरकजी कयादत का इजलास। पीटीआई का निगरान वजीर आजम के लिए अपने पेशकदा तीनों नामों पर इसरार। सीनियर कायदीन को 100 रोजा एजेंडा आवाम के सामने रखने की हिदायत। पनामा केस को तवालत का शिकार करने की कोशिशों का भी जायजा। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म, फैसला न हो सका। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की 5वीं मुलाकात भी रंग न लाई। शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्शीद चा की आइंदा 1-2 रोज में एक और मुलाकात मुतवक्के। हुकूमती वज़ारा ने इमरान खान का 100 दिन का प्लान फेल करार दे दिया। वज़ीर दाखला एहसन इकबाल का कहना है शोबदाबाज के 100 रोजा प्लान पर हंसी आती है। इमरान खान से जितनी मर्जी तकरीरें करा लें मगर अमल जीरो होता है। केपी में तहरीक इंसाफ की नाकाम पॉलिसियां आवाम के सामने हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान के 100 रोजा प्लान का मुंह बोलता सबूत पेशावर में बनाए गए खड्डे हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माला बख्श चांडियो पीटीआई कयादत पर बरस पड़े। कहा पीटीआई के पास लोटे नहीं ड्रम भी आ गए हैं। लोटों से कभी इनकलाब नहीं लाया जा सकता। आने वाले इंतखाबात में केपी में सूरत हाल वाजे हो जाएगी। एमपीए कमल नौमान असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी। कमल नौमान ने अपना इस्तीफा वजीर आला पंजाब को भिजवा दिया। कमल नौमान का कहना है कि पार्टी कयादत की जानिब से नजरअंदाज किए जाने पर इस्तीफा दिया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। फाटक के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के लिए आईनी तरमीम की मंजूरी। फौजी अदालतों में नए केसेस भेजने की भी मंजूरी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को माली और इंतजामी इख्तियार मुंतकिल किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल एडवाइजरी बोर्ड के तौर पर काम करेगा वफाकी काबीना का फैसला। कराची में बला की गर्मी, शहरियों का बुरा हाल। पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा।
फैसले दी। शहर में गर्मी से 64 अफराद की हलाकतों के बयान पर कायम, कहते हैं कोरंगी लियारी और सौराब गोच के सरखानों में लाशें मौजूद हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारियां, शाहीनों की लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 24 मई से होगा। फास्ट बॉलर हसन अली मैच से कबल इंजरी का शिकार होकर। पाकिस्तानी क्रिकेट मैच का फैसला आईसीसी तक पहुंच गया, क्या इस तरह आउट होता है बच्चे का आईसीसी से सवाल। कानून नंबर 32.1 के तहत ये आउट है, आईसीसी का जवाब। पाकिस्तानी ग्राउंड में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रूस का जदीद तरीन जौहरी आबदोज से बयक वक्त 4 मिसाइल्स फायर करने का पहला कामयाब तजुर्बा। चारों बैनुल बर्रे आजमी मिसाइल अपने हदफ को बआसानी निशाना बना सकते हैं। 2 मिसाइल्स फायर करने का तजुर्बा 2016 में किया गया था। अमरीका और शिमाली कोरिया के दरमियान मुलाकात खटाई में पड़ने का इम्कान। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं शिमाली कोरिया को कुछ शराइत पर अमल करना होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ शायद मुलाकात अगले माह के बजाय फिर कभी हो। और फ्रांस में मुतनाज़े मुआशी इस्लाहात की मंजूरी के बाद हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मैकरॉन हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़पों में दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी हुए।